चीज याद आई और ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। और आज है सैटरडे का दिन, हम हो चुके हैं तैयार। हमारे साथ साथ कीरत भाई साहब भी है, बिल्कुल तैयार। देखो ओ भाई, ये कौन सा फैशन है? ये चप्पल के साथ जुराबे है? हमारा सिस्टम है। ओके चले चले, कितनी देर? ये गाड़ी इतनी भारी है ना, किसको थोड़ी सी और बड़ी कर देना, क्रेन बुलानी पड़ेगी। क्रेन बुलानी पड़ेगी। चल फिर चल चले। तो चले प्रीति। हाँ प्रीति कहाँ गई? हेलो, पता नहीं कहाँ गई भाई। और प्रभनूर को देखो। हाँ भाई चले। और भाई कहीं घूमने जा रही है क्या? इधर लॉन्ग शूज वॉन्ग शूज तेरे तेरे कौन से आ गए? ये वाले आते हैं, वो वाले मिले। हाँ भाई, सुबह सुबह चावल ठीक है। तो पता है आपको, कल मैंने और प्रनूर ने रात को बैठ के देखी पिक्चर डंकी। ठीक ठीक लगी हमें, सोसो लगे हमें, मुझे नहीं अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया शाहरुख खान, मतलब मजा नहीं आया। इससे बेटर तो वो आजा मैक्सिको चलिए, वो थी उसपे थी प्रेजेंटेशन, मतलब उन्होंने उसमें बताया कि प्रॉपर डंकी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको फेस करने पड़ते पड़ाव, जो ऐसे ऐसे क्या क्या चीजें आपके साथ होती है, वो चीज दिखाई है। इसमें दिखा नहीं पाया, इसमें तो नॉर्मल दिखाया, ये यहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान ईरान और टर्की से लंदन पहुंच गया आसानी से, मतलब ऐसा दिखाया जैसे कोई टेंशन ही ना हो। पर नहीं, मुझे तो नहीं लगी। तो अभी हम चल रहे हैं, मैं और प्रीति और प्रमोद जा रहे हैं घूमने घूमने, इन द सेंस हमारा मूड हो गया था, हम जा रहे हैं इन भाई साहब को खाने मोमोज सुबह सुबह, तो वो भी खाने घर के वेज मोमोज। तो हम जा रहे हैं साउथ पॉइंट मॉल पे, परसुमा के मोमोज मिलते हैं, वो वहाँ पे शुगर एंड स्पाइस शोरूम है, वो लेने के लिए और ये वाले चौकोस लेने हैं, वो लेने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें लेके आएंगे, अगर इसके साथ कुछ और मिल गया तो वो भी लेके आएंगे। अच्छा तो वहाँ चल के चलते हैं, लेके आते हैं। चलो भाई चल, जल्दी आ जा। चलो 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 भाई साहब, गाड़ी खोलने के कितने पैसे लेंगे आप? 150 रुपया। आज इसको हमने गुल्लक भी लेके देनी है, इसकी पुरानी गुल्लक भर चुकी है और ये कह रहा पापा नई गुल्लक ले दो। चलो भाई साहब, ये कार कहाँ ले जा रहा है तू? अपनी हर जगह कार ले जाएगा क्या? चलो भाई साहब बैठो, आपके लिए हमने दरवाजा खोल दिया, सीट आगे कर दी। हाँ मैम फोन ले आएगी। चल ये देखो भाई, पगड़ी पहन के बैठ गया पटके के ऊपर, ये भी कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है। तो वो आ गई है प्रीति और हम निकल रहे हैं। कीरत का फोन लाई है? अपना फोन भी लाई है। चल फिर। और आज सुबह जो मैंने किया था ब्रेकफास्ट में, वो खाया था मेथी वाला पराठा, बड़ा टेस्टी सा बना था। प्रीति ने पता नहीं क्या खाया, तूने क्या खाया था भाई? मैंने भी तुम्हारे लिए जो बनाया था छोटा सा पराठा, सेम पराठा इसने खाया था। अब हम दोनों का पेट तो भर गया है, अब हम पहले गाड़ी का पेट भरेंगे फिर हम चलेंगे। मेरा भी भर दो। चलता हूँ, तेरे अंदर पेट्रोल डालो कैश कह दी क्या? मेरा भी भर दो भाई, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, तेरे अंदर पेट्रोल डालेंगे कैश कैश। तो चलते हैं सीधा अभी हम, मुझे गुल्लक लेके दो और इसको गुल्लक भी लेके देनी है आज बहुत सारे। बेटा अगर गुल्लक के अंदर 500 रुपए के नोट डल गए ना, हम कभी ले नहीं पाएंगे। गुल्लक के अंदर किरत, तेरे को मैं हर मंथ ना $100 दूंगा, तो गुल्लक के अंदर डाल दे अगर। ये सही है, चले रोड पे खड़े होके तो इसको सारी चीजें याद आई। चले एक सेकंड, नहीं नहीं नूर को फोन कर देना। चले आंटी निकल चुके हैं हम, हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम चले सीधा शिमला। भाई मैं तो तैयार हूँ, तेरी मम्मी तैयार नहीं है और प्रनूर तैयार नहीं है, हम तो तैयार ही रहते हैं, कहीं भी घूमने ले चलो, हमें मना ही नहीं है भैया। मैं तेरे को हाँ। तो डांटेगी ना, छुट्टी तो रोज ही करता रहता है। क्यों डांट रही थी बेटा? छुट्टी तो आपने करी नहीं। अब तेरे को पता है पंजाब के तो छुट्टी नहीं करी, अब पूरी छुट्टियां छुट्टियां। प्रनूर का फोन आ गया अभी, इस करके मैडम डांट रही है बेटे, हर वक्त तो छुट्टी करता रहता है,
पर आज नोटिस आ गया ना गवर्नमेंट की तरफ से, विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 1 जनवरी टू 15 जनवरी, 15 जनवरी तक तुम्हारी छुट्टियां हैं 15 दिन की, सिर्फ हफ्ते को 3 दिन स्कूल जाना है, 27, 28, 29, फिर छुट्टियां समझा। तो न्यू ईयर सैटरडे संडे को ही आ रहा है ना, छुट्टियां मिलेंगी तेरे को सारी। 15 दिन की छुट्टी में तू क्या करेगा? मैं सोच रहा हूँ तेरे को ना गुरुद्वारे में क्लास ज्वाइन करा दूँ, तेरे को पंजाबी सिखवाऊँ। नहीं। हाँ जी, अब तेरे को पंजाबी सिखवाऊँ। गुरुद्वारे में बच्चों को कीर्तन भी सिखाते हैं, बच्चे वो तबला बजा रहे हैं। हाँ, क्या सीखना तुझे बता, इस वाली में सीखना है गर्मियों की में सीखना है बता दे मुझे। गर्मियों में ही नाम लिखवा कर आई थी। हाँ, गर्मियों में इसका नाम लिखवा दियो, इसको पंजाबी। ये गया ही नहीं, अब की बार जाएगा। गाड़ी का लंच स्टेशन आ गया, पहले गाड़ी को लंच करा दे। तो भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला दिया हमने 1500 रुपए का, और सुई अभी इतनी ही उठी है। इस गाड़ी को जितना मर्जी खाना खिला दो ना, ये भूखी ही रहती है। अभी हमने 1500 का डलाया, शाम तक फिर बत्ती जल जाएगी। तो आज डैडी भी चंडीगढ़ गए हुए हैं, डैडी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। डैडी कुछ कह रहे थे कि कहीं घूमने चलने का प्रोग्राम बनाते हैं, अगर डैडी का प्रोग्राम बना तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। अभी क्या है, अभी 2-3 दिन छुट्टी का दिन है, कोई मतलब काम वाम है नहीं। आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, 3 दिन पूरा छुट्टी वाला माहौल है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, आज ना अपन जो वो मशीन मिली थी ना हमें, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने दी थी गाड़ी धोने वाली, आज सोचते हैं उससे गाड़ी को पूरा वॉश करें। क्या बोलता है किरत? कौन सी भाई? अच्छा, तो क्या बोलता है? ठीक है, तो प्लान करते हैं, हो सकता है हम अपनी गाड़ी को आज अच्छे से धोए। वैसे तो साफ है, फिर भी मन कर रहा है कि दोबारा से धोए, या गाड़ी को ऑफ रोड चलाने चले गए। जी नहीं, मेरे को शाम को जाना है गुरुद्वारे। तो वो देखो क्रिसमस की तैयारी हो रही है पूरी जी, ये हमारे साइबर हब में। तो इस साइबर हब में पूरी क्रिसमस की तैयारी हो रही है, और एक चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे आपसे शेयर करने में बड़ा मतलब मन भी खुश हो रहा है ये चीज शेयर करके, कि पंजाब में जो अमृतसर का मॉल है, उस मॉल पे जो है क्रिसमस की तैयारी नहीं हुई है, उस मॉल पे साहिब जादों की फोटो लगा के और पूरी श्रद्धांजलि भेंट की गई है। पूरे मॉल को उस तरीके से उन्होंने वो किया है, और पूरे मॉल में साहबजादों की फोटो लगाई है, छोटे साहबजादों की, बड़े साहबजादों की, और पूरा शहीदी दिवस को पूरा दर्शाया कि कैसे हुआ था। ये बहुत अच्छी चीज लगी कि पंजाब में कुछ इस तरह के इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुए हैं। तो कार को कर दिया हमने पार्क, और अब निकल रहे हैं ऊपर, सीधा जाएंगे ब्रेड्स एंड मोर, शुगर एंड स्पाइस, मतलब ऐसा ही नाम है उसका दोनों का। वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या लेना है। अगर इसके वो मोमोज मिल गए वो ले लेंगे, अगर इन भाई साहब के ओरियो वाले वो मिल गए वो ले लेंगे, नहीं मिले तो चले जाएंगे वापस। चलो भाई, अपनी कार को बदलाया क्यों? कैसे? किसे? हाथ में कैसे टक्कर लगती है भाई? तो लो जी, लिफ्ट से बाहर आ गए हैं। चलो भाई, चल भाई, चल आ जा, इसको चाहिए जल्दी से जल्दी ओरियो, शोर मचाई जा रहा है। मिलेंगे ही नहीं बेटा, देख लियो ओरियो वाले चौकोस। चलो, आज तू रेड पटका इस करके पहन के आया कि मॉल के साथ मैचिंग करी है तूने, ये यहाँ पे भी रेड डले। ये पूरा मॉल सजा हुआ है क्रिसमस के स्टार्स से, और सामने क्रिसमस का ट्री भी है। इसको नेल आर्ट दिख गया भाई। आजा प्रीति भाई, प्रीति जल्दी आजा, इसको कुछ भी दिख जाए वहाँ पहुँच जाती है। अमेज़न वाली ऐड। मैं और कीरत चले हैं सीधा वहाँ पे, मम्मी आती रहेगी, चल अपन चले। 1000 रुपए भाई, वो ग्रॉसरी स्टोर जहाँ पे सब मज़ेदार वाली आइटम इम्पोर्टेड वाली मिलती है। चल भाई चल,
ये बहुत ही बड़ा स्टोर है, यहाँ सब कुछ मिलेगा। चलता चल कीरत भाई, चलता चल। ये देख क्रिसमस के गिफ्ट लगे हैं। हैं कुछ चाहिए क्या? चल चल भाई चल, चलता चल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। क्रीम के टब्स लगे हुए हैं। आइसक्रीम लेनी है? आजा कीरत इधर। क्या वो तो ले देते हैं अभी। ले ले बेटा जो चाहिए। यहाँ पे ये सब तरह के मक्खन है, ऑल वैरायटी, ऑल चीज और सब कुछ मिलेगा। ये बात है यार स्टोर की, सब कुछ मिलता है। ये हर तरह का दही, फ्लेवर्ड भी और वो भी मैंगो। तेरे को जब बचपन में ना यहाँ से फ्लेवर्ड दही बड़ा पिलाया मैंने लाके, समझा? चल। और यहाँ मिलेंगे तेरे मोमोज, जो बोले अपन परसुमा के मोमोज लेने आए ना वो यहाँ मिलेंगे। चल भाई यहाँ सब सामान मिलता है। स्कॉकल, सलामी, सॉसेजेस, पॉक बेकन, सॉसेजेस, पॉक चॉपस्टिक्स, परसुमा के मोमोज। यहाँ पे अब यहाँ से वेज वाले मोमोज ले लेते हैं, ओरियो वाले चॉकोस भी देख लेते हैं। और यहाँ पे ये अंदर जो है वो मार्केट है, पूरी चिकन मार्केट, फ्रेश चिकन मार्केट। यहाँ सब कुछ मिलेगा, कोल्ड कट्स, रेडी टू ईट, सारी चीज मिलेगी। जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स लगी हैं, वैरायटीदार जूस खूब सारे, इंपोर्टेड भी, इंडियन भी। हाँ क्या क्या लेना शुरू कर दिया हमने? मोमोज तो ले लिए, तो फ्रोजन पराठा भी मिलते हैं। चल भाई तेरे चॉकोस इधर लगे हुए देख। कहाँ लगे प्रीति? कौन से हैं ये? ये लेने हैं ओरियो चॉकोस। ये भी ले लेते हैं भाई, बड़ा डिब्बा, एक ही बार में बड़ा डिब्बा। ये खाता है तू यही वाले? तो नहीं है। और तो भाई ये ओरियो चॉकोस लेने पहुंच गया। चलो ये वाले ओरियो चॉकोस, चलो ले लिए, भी हो गया। और कुछ तो नहीं चाहिए यहाँ पे? इसको याद था कि कहाँ से क्या लेना है। चलो मस्त ग्रोसरी, कितनी ग्रोसरी कितनी क्लीन है, देख रही है? यहाँ पे शॉप के अंदर ना फूड काउंटर भी है। चल भाई। और यहाँ फ्रेश ब्रेड काउंटर है। ब्रेड लेनी है? यहाँ वो ब्रेड खाती है ना प्रमोद जोन सी, वो ले ले। कौन सी थी वाला लेती है प्रीति? ले ले, ये फ्रेश बेक है यहाँ पे। भाई ले लिए सब सामान। चलो। और तू नेल आर्ट में पूछा ही थी अपने नेल आर्ट क्या नहीं कराने हैं? रजौरी जाएगी फिर से? यहाँ हो तो रहे हैं, पसंद नहीं आए भाई। तो अब अपन चल रहे हैं सीधा वापस घर की तरफ। घर पे प्रणूर भी वेट कर रही है और अब हमको लग गई है बड़ी तेज भूख, घर जाके खाएंगे कुछ खाना। घूम लिया सारा सामान, ले लिया, अब लेके घर ही चलेंगे। चल भाई चल। तो वापस पहुंच गए अपन अपनी गाड़ी के पास। चल भाई घर चलो, बैठो। तो भाई घर के लिए निकल गए हैं और भूख लग रही है बड़ी तेज वाली। प्रीति कह रही है चौमिन, मैं कह रहा हूँ रोटी। कीरत कह रहा है क्या पता नहीं, कुछ तो कह रहा है पर हमें नहीं पता। तो अभी अपन सीधा घर चलते हैं, पहले रोटी खाते हैं फिर मिलते हैं। घर में बनी है आलू मेथी और साथ में पराठा और साथ में जो मिल गया आज वो खा लेंगे। और मौसम ना इतना फॉगी फॉगी सा हो रहा है, ठंड भी हो रही है, फॉगी फॉगी सा भी हो रहा है। जल्दी चलेंगे, अगर आधा घंटा रुकोगे तो मैं न्यूट्रीला वाले भाई, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आधा घंटे में बीपी डाउन हो जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं मुझे प्रोटीन बना दे भैया, तू जाके जल्दी से नई बनी हुई रोटी पराठा बना दे। तो घर जाते जाते ना चीज याद आई और ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 26 तारीख को जो भारत सरकार ने वीर बाल दिवस मतलब डिक्लेयर किया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार ऐलान किया है। जहाँ पे G20 हुआ था ना, भारत मंडप जो बना है प्रगति मैदान पे, तो इस बार 26 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से
वहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है वीर बाल दिवस को समर्पित। तो जिन जिन लोगों ने वहाँ पहुँचना है वो ओपन पहुँच सकते हैं, ओपन एंट्री है। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे और काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और पूरी सिख कम्युनिटी होगी, बाकी अदर कम्युनिटीज भी होंगी। और इस दिवस को बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और वहाँ पे एक शब्द गायन होगा, 100 बच्चे 15 मिनट का शब्द गायन भी करेंगे। और फिर वहाँ पे परेड निकाली जाएगी, जो पिछली बार इंडिया गेट पे निकाली गई थी इस बार वहाँ निकाली जाएगी। जिसको पासिस चाहिए हो वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कॉन्टेक्ट कर सकता है और वहाँ से अपने पासिस कलेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी। तो जिसने ज्वाइन करना है और जाए और अपनी श्रद्धांजलि उस दिन जाके वीर बाल दिवस के रूप में साहिबजादों को दे। भारत के प्रधानमंत्री की ना हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वीर बाल दिवस घोषित किया था और लास्ट ईयर इसका पूरा गजट निकाल दिया था, गजट निकाल के इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। तो अब ये हर साल जब तक हम कहते हैं कि जब तक मोदी जी को बाबा जी ने सेहत बख्शी है तब तक तो यही प्रधानमंत्री रहे और देश की सेवा करते रहे, कौम की सेवा करते रहे, सिख पंथ की चढ़ती कला करते रहे। और इसके बाद जो भी कोई नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जब भी जब तक भारत देश है तब तक ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत अच्छी चीज है। कीरत के गुल्लक ले ले पहले। हाँ भाई छोटी वाली गुल्लक दे देना, बड़ी दे दो भाई। कीरत गुल्लक आ गई फिर तेरी, जिमनी तो छोड़ गुल्लक ये देख। ये कितने की है जी? ये 70 मीटर। तो भैया कीरत की गुल्लक भी आ गई, अब ये पैसे इस पे डालेगा है। इसकी पुरानी गुल्लक फुल भर चुकी है, अब ये नई गुल्लक ले लेगा। जितनी तेज भूख लगी हो ना ये मैडम जी को सब चीजें याद आ जाती है। मक्खन भी लेना है और डेयरी मिल्क भी लेनी है। क्यों भाई? और यहाँ भूख से जान निकल रही है। हाँ गाड़ी बैक कर लूं मैं। मेरी इससे बड़ी गुल्लक है। तो पहले ये तो भर ले। मेरी कॉइन वाली इससे बड़ी है। ठीक है चल भाई चल जल्दी बना दे, भूख लग रही है प्रीति फटाफट कुछ। अरे पहले क्या दे रही है मुझे? रोटी दे दो। जो देना जल्दी दे दे। सब्जी के साथ रोटी दे देती हूँ, रात को भी यही सब्जी खानी है। क्यों भाई बनाने में दिक्कत होती है? वो देखो ये गुल्लक यहाँ रख गए हैं, पैसे डालेंगे इस पे। और ये अपनी दूसरी गुल्लक भी लाया, दूसरी क्यों ले आया? इसको क्या करेगा? कहाँ रखेगा? तो लाया कि वो तो पड़ी जान देता जा पड़ी थी। सारे पैसे कहाँ है? सारे मेरे पास कहाँ है? तेरे पास है ना? वो डाल अपने सारे सिक्के कॉइन इसमें। और इसमें भी कॉइन डाल दे, फुल कर दे कॉइन। वो फुल हो चुकी है ना? वो तो पूरी फुल है यहाँ तक। तो इसको गर्म नई गुल्लक को भर। ये लिफाफा निकाल के ले आया, ये डैडी जी के नोट है। और सारे डैडी जी के नोट है जो रोज डैडी जी से लेता है और अब डालेगा गुल्लक में। एक एक करके डाल दे सब। आज के टाइम में अंबानी को फिल कर दिया। क्यों भाई? इतना पैसा है कह रहे अंबानी को फिल कर दिया। नई गुल्लक में डाल दो भाई पैसे। ये देखो जी जाओ। तो हम खाते हैं रोटी और आप करो इस व्लॉग को एंजॉय। और होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बता देना। पर बड़ी तेज भूख लगी है यार, अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, बना तो दी रोटी, तवा गरम हो गया। अब जितनी देर रुक तवा गरम होने में लगेगा तब तो बादाम खा लूं। भैया भूख बड़ी लगी है। बोलो कॉइन से भरते हैं बेटा। बेटा पैसे तो फिर हमें कभी कभी चाहिए होते हैं ना। तो कॉइन्स कैसे लाऊं? मैं दे दो ना कॉइन। तो हम खाएंगे रोटी, आप करो व्लॉग को एंजॉय। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।